हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई टी डेली जॉब अपडेट पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं थंबनेल पर, न्यू होलैंड ट्रैक्टर कंपनी जो है उसमें लगातार दूसरी भर्ती निकल कर आ रही हैं। आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए काफ़ी शानदार भर्ती हैं। इस कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन अलग जगह पर किया जा रहा है, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में इसका आयोजन होगा। यहाँ पर कैंटीन और ट्रांसपोर्ट आप लोगों को फ्री मिल जाता है। सैलरी क्या मिलेगी वो सब आगे हम वीडियो में बात करेंगे। अगर आप आईटीआई पास हैं और करना चाहते हैं न्यू होलैंड ट्रैक्टर जैसी बड़ी कंपनी में जॉब, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जाकर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करें अगर कंपनी नेम की, तो कंपनी का नेम है न्यू होलैंड एग्रीकल्चर, जो कि ग्रेटर नोएडा में कंपनी है। यहां से आप लोगों को अपना जॉब लोकेशन भी पता लग रहा है कि आपको जो जॉब करना होगा वो ग्रेटर नोएडा में करना होगा। ग्रेटर नोएडा में आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए न्यू होलैंड ट्रैक्टर कंपनी में भर्ती हैं। अप्रेंटिस पास आउट छात्रों के लिए फिलहाल यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए भर्ती होने वाली हैं। इस भर्ती में आईटीआई पास और डिप्लोमा पास दोनों छात्र पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने आईटीआई पास थंबनेल पर इसलिए लगाया है क्योंकि ज़्यादा छात्र हमारे चैनल से आईटीआई वाले जुड़े हुए हैं। यहाँ पर डिप्लोमा पास आउट छात्रों के लिए भी भर्ती है। अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई डिप्लोमा छात्र भी है तो वो उसको भी ये वीडियो शेयर कर देना। बात करें आईटीआई पास ट्रेड की, तो अगर आपने फिटर ट्रेड से आईटीआई किया है, मशीनिस्ट से आईटीआई किया है, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, पेंटर एंड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अगर आपने आईटीआई पास आउट किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई ट्रेड की बात करें, फिटर, मशीनिस्ट, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, पेंटर एंड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पास आउट छात्र इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं डिप्लोमा की, तो अगर आपने मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा किया है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किया है या ऑटोमोबाइल ब्रांच से डिप्लोमा पास आउट किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिस ट्रेनी अंडर अप्रेंटिस एक्ट फॉर वन ईयर, 130 टोटल यहाँ पर संख्याएं हैं, याद रखिएगा 130 जनों को फ़िलहाल यहाँ पर लेना है। और ये जो अप्रेंटिस एक्ट के तहत आपको एक साल की अप्रेंटिस पर यहाँ पर रखा जाएगा, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल के लिए भर्ती फ़िलहाल नहीं है। स्टाइफंड आपको यहाँ से 12,020 रुपया पर मंथ मिलने वाला है। कैंटीन फ्री मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट आप लोगों को यहाँ से फ्री मिल जाता है। मेडिक्लेम 2 लाख रुपये तक का मेडिक्लेम आपको मिल जाता है। टाइमिंग की बात करते हैं, जिन बच्चों के नाम की शुरुआत ए से एल तक होती है, यानी कि आपका नाम का अल्फाबेट अगर ए से एल तक हैं, वे सभी बच्चे सुबह 10 बजे उपस्थित होंगे कॉलेज में, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। अगली है, जिन बच्चों का नाम की शुरुआत एम से एस के बीच में है, वे छात्र 12 बजे कॉलेज में उपस्थित होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होंगे। साथ ही जिन बच्चों के नाम टी से जेड तक हैं, वे सभी बच्चे 2 PM पर, ठीक है, सभी छात्र 2 PM पर कॉलेज में उपस्थित होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होंगे। यहाँ पर दिया है, इट इज़ कंपल्सरी टू हैव द नेम स्पेलिंग ऑफ नेम इन द आधार कार्ड एंड मार्कशीट आईटीआई हाई स्कूल ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपके जो आधार कार्ड में जो नाम है वही आपकी मार्कशीटों में होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स में वही नाम होना चाहिए। कैंपस प्लेसमेंट की डेट की अगर बात करते हैं तो 28/6/2021 को इस कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जाएगा। गवर्नमेंट आईटीआई पांडुनगर कानपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। गवर्नमेंट आईटीआई पांडुनगर कानपुर चले जाना है 28/6/2021 को, अपनी अपनी टाइमिंग के साथ सभी डॉक्यूमेंट साथ में रखने हैं। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि सभी बेरोजगार छात्रों को जॉब मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कैंपस प्लेसमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।